अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। और आज जो हम आपको अपडेट देने वाले हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और अगर आप दुबई में रहते हैं तो ज़रूर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी है। और दुबई से आप छुट्टी आए हुए हैं, कैसे भी आए हुए हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा खबरों में बने रहें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। My channel, subscribe bell icon, press like and share. दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देखा होगा कि आज जो हम बात करेंगे वो दुबई से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप दुबई में हैं या फिर अपने देश आ चुके हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी आप आ चुके हैं, आपके पास में रेसिडेंट परमिट है, तो आपका अगर ख़त्म होने वाला था या कुछ ही टाइम में ख़त्म होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़। क्योंकि इसमें अभी वहाँ के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो आपका रेसिडेंट परमिट है, तो वो आपका इस साल के लास्ट दिसंबर तक बढ़ गया है। यानी कि आपको कहीं भी जाने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी साल के लास्ट तक बढ़ गया है और किसी भी तरह की आपको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे भी और यहाँ पे भी छुट्टी पे आए हुए हैं, तो सबको जो है चिंता रहती है कि हमारा रेसिडेंट परमिट हमें चेंज कराना है, बढ़वाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ रहती है। तो अब आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर, हम अनलीगल हैं और काफ़ी टाइम से हम अनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं दुबई में, क्या हम आ सकते हैं, हम पे पेनल्टी वगैरह पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, किस तरह से हम कॉन्टैक्ट करें, क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अनलीगल हो गए हैं, आप कभी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो एम्बेसी में जाकर आप अपने देश की एम्बेसी में जाएँ और वहाँ पर जाने के बाद में सारी चीज़ उनको बताएँ। आप तभी बिना पेनल्टी के तभी आ सकते हैं। अभी ये आपके पास में सुनहरा मौका है कि सारी चीज़ उनको जाकर बताएं। बताने के बाद में हर चीज़ आप बता दें, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, हर चीज़ क्लियर करके बताएं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने देश आ सकते हैं। और ये ही आपके पास में सुनहरी मौका है, अगर आप अलीगल हो गए हैं वहाँ पे, तो अगर काम कर रहे हैं पहले से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और किसी तरह की भी क्वारी वगैरह आप करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।